नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ सुनो। भंवरकुआ पुलिस ने फर्स्ट ईयर के छात्र मोहित सिसोदिया की शिकायत पर पीयूष जाट और पंकज जाट के खिलाफ मारपीट करने और बंधक बनाने के मामले में केस दर्ज किया है। छात्र मोहित के मुताबिक मोबाइल चोरी की शंका में आरोपियों ने उसे बुलाकर बुरी तरह बेल्ट और सिलेंडर की नली से पीटा था। जब वह बेहोश हुआ तो आरोपियों ने पानी डालकर उसे उठाया, बाद में उसे मारपीट कर भगा दिया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में एक कंट्रोल दुकान संचालक के घर में चोर घुस गए थे। नकाबपोश बदमाशों ने संचालक का गला दबा लिया। शोर मचाने पर एक बदमाश पहली मंजिल से कूदकर भागने लगा। इसे लोगों ने पकड़ लिया। इसे छुड़ाने के लिए आगे आए दूसरे चोर को वहां मौजूद लोगों ने दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अब तीसरे चोर की तलाश कर रही है। TI संजय शुक्ला के मुताबिक राजीव जादौन निवासी लक्ष्मीपुरी कॉलोनी की शिकायत पर चोरी के मामले में सन्नी उर्फ जस्तू निवासी सत्यसाई कॉलोनी और उसके साथ ही शंकर प्रजापति निवासी गोविंद कॉलोनी को पकड़ा है। आरोपियों ने राजीव के यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से 23,000 रुपए नकदी और सोने के जेवर सहित अन्य सामान जब्त किए हैं। राजीव ने बताया कि वह हर दिन सुबह 5 बजे जाग जाते हैं। मंगलवार सुबह 5 बजे वे मेन गेट के दरवाजे पर पहुंचे थे तो घर के बाहर दो नकाबपोश बैठे थे। इसके बाद वह सीढ़ी से ऊपरी मंजिल पर गए। यहां एक बदमाश अलमारी में से सामान निकाल रहा था। राजीव ने जब उसे ललकारा तो बदमाश ने अचानक हमला कर दिया। चोर ने गला भी दबाया। इस दौरान राजीव ने धक्का देकर शोर मचाया था। राजीव की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उठ गए, जिसमें जस्सू को मौके से पकड़ लिया गया। इस दौरान जस्सू को बचाने में शंकर ने लोगों पर पथराव भी किया, जिसमें उसे भी पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं तीसरा साथी भागने में सफल हो गया। राजीव के मुताबिक वहां उनकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी है। पुलिस चोरों से अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। 4 बजे लक्ष्मणपुरी थाना एरोड्रम अंतर्गत राजीव पिता गोविंद सिंह जादौन निवास करते हैं। उनके घर में एक व्यक्ति घुसा और अलमारी खोलकर वो सामान अस्त व्यस्त कर रहा था। उनकी अचानक नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सन्नी उर्फ जस्सू भोई, जो कि सत्य साईं बाग कॉलोनी बाणगंगा का रहने वाला है, वो वहाँ पर उनके यहाँ जो अलमारी की तलाशी ले रहा था। उसको उन्होंने पकड़ा, शोर मचाया तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। तो ये जो सन्नी है, ये उनके घर से कूदकर भागने का प्रयास किया। उसमें वो बिल्डिंग मतलब फर्स्ट फ्लोर से नीचे भी जाली से लटकते हुए नीचे गिर गया।